अब बात करते हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक ने महकमे सेहत के अफसरान को परेशान कर दिया है। महकमे का पंजाब के 10 अजला में एक बार फिर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद से लिए गए नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई थी। तफसलात जानेंगे बिलाल चौधरी से। जी बिलाल चौधरी, आगाह कीजिएगा। जिला में एक बार फिर पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर और फैसलाबाद के मुख्य इलाकों से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत पंजाब ने एक बार फिर सुबह के 10 जिला में पोलियो मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। 12 नवंबर से 10 जिला में 3000 पोलियो मुहिम शुरू कर दी जाएगी। पंजाब में पोलियो को आखिरी केस जनवरी 2017 में रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद ताहाल पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो मुहिम लाहौर समेत पंजाब के 10 जिला में शुरू की जा रही है। सूबे के 10 जिला में शुरू की जाने वाली मुहिम में 5 साल तक 68 लाख बच्चों को पोलियो के कफरे पिलाए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक 5 साल तक बच्चों को पोलियो से बचाव के कफरे पिलाना लाजमी है, ताकि मासूम बच्चों को उम्र भर की मजबूरी से बचाया जा सके। और इसी तरह सीवेज के पानी से जो नमूने पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनकी भी रोकथाम के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। शुक्रिया बिलाल चौधरी।